हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोगों को। और मेरे यूट्यूब चैनल सुकांत किचन में आप लोगों को स्वागत है। और एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी सलाद लेके आई हूँ, जो कि आप लोग डाइटिंग करते हैं ना तो डाइट में खा सकते हैं, और डाइट नहीं भी करते हैं तो शाम का टाइम में खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेजिटेबल। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोग देख लीजिए रेसिपी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे सब्जियाँ मैंने काट कर ले लिया है, और सब्जियों में मैंने बीन्स, गाजर और ब्रोकली, जुकनी और तीनों शिमला मिर्च और मटर कच्चे जो पहला नया नया निकलता है वो वाला, और लहसुन 6-7 दाने मैंने ले लिया है। और यहाँ पर पानी पहले से उबलने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रोकली और बीन्स और गाजर को स्टीम देना है, और थोड़ी सी स्टीम होने के बाद छान देंगे और ठंडा पानी से सब्जियों को धो देंगे, और उससे क्या होगा कि सब्जी का कलर नहीं जाएगा और ज़्यादा पकेगा भी नहीं। तो ऐसे करके आप लोग भी ले लीजिए। और बीन्स को थोड़ा स्टीम आने दीजिए, उसके बाद ब्रोकली को डालें। जैसे उबाल आ जाता है ऐसे सब्जियों को छान लीजिए। और यहाँ पर उबाल आ चुका है और थोड़ा सा नमक डाली थी मैं, तो ज़्यादा नमक ना डालें, आधे टीस्पून। जैसे मैंने एक बड़ा फ्राई पैन ले लिया है और इसमें आप सारे सलाद को मैं ड्राई करके ले लूँगी। तो कंटिन्यू ब्लॉग में, कंटिन्यू रेसिपी में बने रहें, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे बनता है और आप लोग भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं, जो जो लोग डाइटिंग में हैं वो लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, फ्राई पैन को गर्म होने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वेजिटेबल सलाद ड्राई वाला कैसे बनाते हैं। तो वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स। फ्राई पैन गर्म हो चुका है, तो अभी इसमें मैं थोड़ा गैस को धीमा कर देती हूँ। हम 1 चम्मच जैसे बटर ले लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है। छः सात दाने का लहसुन का जो मैंने छील कर ले लिया था उसको मैंने कूट कर ले लिया है। आप लोग चाहें तो कद्दूकस करके ले लीजिए, थोड़ा सा लहसुन को इस तरह के भून लीजिए। मशरूम डालेंगे। अब हम लहसुन को हाई फ्लेम में ही इसको ड्राई करेंगे ताकि इसका पानी थोड़ा निकल जाए। सो फ्रेंड्स, मशरूम फ्राई हो चुका है, ड्राई हो चुका है, देख लीजिए। और बाकी जो गाजर और ब्रोकली बीन्स को अभी डाल दिया मैंने। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल में आप फ्राई कर सकते हैं, और गैस को हाई फ्लेम में ही रखें। ध्यान रखें ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, सिर्फ इसका कच्चापन को हटाना है हमें, सब्जियों का कच्चापन जो होती है उसको हटाना है। शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, हरी वाली, उसको भी मिला देंगे। थोड़ा सा इसका पानी सॉफ्ट हो जाए, मतलब पानी निकल जाए इसका, सब्जी का ड्राई हो जाए, उसके बाद हम अभी जो कद्दू है जो भुनी उसको डाल देंगे। मटर अभी का आ रहा है नया नया, ऐसे वाला लीजिए जो कि पक्का नहीं होगा, ऐसे अभी जो छोटा छोटा एकदम कच्चा है ये, पका हुआ नहीं है। और कड़क वाला ना लीजिए, नरम नरम वाला मटर वाला ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च लाल और रेड कलर, लाल कलर और पीली कलर वाला ले लिया है, और साथ में मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको मैं अभी हाई फ्लेम में ही ड्राई करूँगी। मेरा फ्राई पैन थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। पेस्ट्री को भी मैंने ऐड कर दिया है,
बहुत सारा मैंने काट लिया है तो मैं अपने हिसाब से ले लूँगी। फ्राई पैन में थोड़ा चलाने के लिए दिक्कत हो रहा था तो मैंने कढ़ाई में पलट दिया है फ्रेंड्स, और इसको मैं अभी हाई गैस में ही मैं इसको फ्राई करूँगी। ज़्यादा नहीं करना है, सारे सब्जी थोड़ा सा वो करनी है, उसको पानी निकलने तक सुखाना है मुझे। तो आप लोग भी ऐसे ड्राई करके ले लीजिए। तो सारे सब्जियां का पानी निकलने के बाद नमक डालें। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, नमक डालने का समय आ गया है। ध्यान रखिएगा कि बटर में भी नमक होता है, और मैं ब्रोकली बीन्स गाजर को उबाला उस समय भी मैंने नमक ऐड किया था आधे टीस्पून। ये है काली मिर्च पाउडर जो मैं पीस कर रखी थी। जो जो डाइट लोग कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, उनके लिए फ्रेंड्स ये, और बाहर देश से आपके घर में मेहमान लोग आते हैं तो इस तरह की बना कर दीजिए, खुश होकर खाएंगे। बाहर देश के लोग इसी तरह बना कर खाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बनकर रेडी हो गया है मेरा वेजिटेबल सलाद। अब गैस को बंद कर देती हूँ।